Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar amri.

और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा की भी हमने बात की थी तो आपने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है पहला स्टेप इसमें ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और दूसरा ट्रांसलेशन तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन अगेन हम इसको जनरली डिफाइन करें व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको इसका लिटरल मीनिंग भी बता दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को जनरली डिफाइन करें तो जनरली इसको डिफाइन करते हुए आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि सिंथेसिस 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 ऑफ 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 ठीक है या इवन अगर आप एम आर एन ए भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है ठीक है वैसे आपको ये याद रहना चाहिए बाकी आर एन ए की फॉर्मेशन भी ट्रांसक्रिप्शन के लाएगी लेकिन हम चूंकि यहां पर वो इस तरह के जीन्स को डिस्कस कर रहे हैं ऐसे जींस के एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं जिनसे आगे ट्रांसलेशन भी होनी है तो डेफिनेटली वहां पर पहले एम आर होगा तो सिंथिस ऑफ एम आर एन ए या फिर जनरली आर एन ए कहते हैं तो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन आपके ख्याल में आर एन ए एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है या मोनोमर मॉलिक्यूल है मोनोमेरिक है या पॉलीमेरिक है वट डू यू थिंक पॉलीमर है polymer. तो किसी भी पॉलीमर की फॉर्मेशन को पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं yes, बिल्कुल तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी क्या एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहला सकता है यकीनन yes, तो आप ये माइंड में रखिए कि ट्रांसक्रिप्शन भी एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जस्ट लाइक डीएनए रेप्लीकेशन क्योंकि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है और इसी तरह से आर एन ए की फॉर्मेशन हो रही है ट्रांसक्रिप्शन में यह भी एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है Is that clear? Yes, अच्छा तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हम इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी अपनी कन्वीनियंस के लिए अपनी आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हालांकि ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन हम अगर यूँ एक साथ सारी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो बात कोई भी पल्ले नहीं पड़ेगी लिहाजा अपनी आसानी के लिए ट्रांसक्रिप्शन को भी हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो सबसे पहला स्टेप इसमें होगा इनिशिएशन फेज़ इनिशिएशन फेज इसका पहला स्टेप है उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होगा इलोंगेशन फेज उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन फेज यू तीन स्टेप्स में इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे अब देखिए पहले फेज में क्या होगा पहला फेज जिसको इनिशिएशन फेज कहते हैं इट इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज ऑन द प्रोमोटर रीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल ये देखो ये जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी है ना उन वर्ड्स को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है आपको रेड कलर में जो अल्फाज नजर आ रहे हैं आर एन ए ये क्या होता है ये समझना है हमने प्रोमोटर रीजन की बात हो रही है जहां पर इसने अटैच करना है ये क्या बला है इसको हमने अभी समझना है और फिर ट्रांसक्रिप्शन बबल किसको कहते हैं तो ये चीज भी अभी हमने समझनी है तो आपको मैं अभी ब्रीफली पहले बता रहा हूं कि इन फेजेज में क्या होने जा रहा है तो इनिशिएशन फेज में क्या होगा इसको हम अगर एक लाइन में डिफाइन करें व्हाट हैपेंस इन द इनिशिएशन फेज सो यू यू विल विल सी दैट दैट से अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन रीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल इज द इनिशिएशन फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमने सिर्फ ये बातें यहां पर एक्सप्लेन करनी है अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद फिर देखो इलोंगेशन फेज में क्या होगा तो एलोंगेशन फेज में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए अलोंग देंथ ऑफ टेम्पलेट और एंटी सेंस स्टैंड अब यहां पर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए क्या चीज़ है और फिर ये टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रेंड क्या चीज़ है इन बातों को भी अभी हमने अंडरस्टैंड करना है तो बहरहाल एलोंगेशन फेज में आपने याद रखना है कि ये इवेंट परफॉर्म होगा बिल्कुल इसी तरह से आखिरी जो टर्मिनेशन फेज़ है what will happen in the termination phase removal of rna polymerase and the mrna theek hai rna polymerase jo mrna ko bana raha tha ye dono yahan se ab remove ho jayenge from the terminator region ye terminator region gene ka ek part hai terminator region से ये दोनों skip कर जाएंगे and the restoration of the dna duplex और dna अपनी dobara original state में वापस आ जाएगा. that is duplex state ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इसकी ब्रीफ सी समरी यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई है जैसे आप ये सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं इसके अंदर आर एन ए नाम का एक एंजाइम प्रोमोटर रीजन के ऊपर अटैच कर रहा है प्रोमोटर एक खास जगह है अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं उस जगह पर आकर ये बाइंड करेगा तो जैसे ही प्रमोटर के ऊपर ये बाइंड करता है ना तो डीएनए वहां से ना सिर्फ अनटर्न हो जाता है उसके टर्न्स खुल जाते हैं बल्कि उसके दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक बबल अपीयर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल और फिर उसके बाद इलॉन्गेशन फेज में दोनों में से किसी एक स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ये दो स्टैंड हैं इस वक्त डी के तो एक के कॉम्प्लीमेंट्री एक एम बिल्ट होना शुरू हो जाएगा जिस स्ट्रैंड के कॉम्पलीमेंट्री एम आर एन ए बनेगा दैट स्टैंड और रफ्ता बढ़ता रहेगा यहां तक कि आखिरी हिस्सा आ जाएगा जीन का दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन रीजन टर्मिनेटर रीजन और इस रीजन पर आकर अब ये देखिए आर एन और एम दोनों यहाँ से रिमूव हो गए और डी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया तो ये सारा कुछ होना है ये मैंने आपको सिर्फ अभी एक ट्रेलर दिखाया कि अभी ये आगे क्या होने वाला है जी तो सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन फेज अभी मैंने आपको बताया था इनिशिएशन फेज में क्या होने जा रहा है इनिशिएशन फेज इज करेक्टराइज बाय बाय द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन द प्रोमोटर रीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल यानी हमने यहां पे जिन बातों के ऊपर डिस्कस करना है वो है आर एन ए प्रोमोटर रीजन और उसके बाद फिर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल इन बातों को जरा हमने समझना है ठीक है सबसे पहले जरा देखिए ये जो चीज आपको बता रहे हैं आर एन क्या चीज है आर एन बेसिकली वो एंजाइम है जो कि आर को सिंथेसाइज़ करता है वर्ट इज आर एन आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे आर एन एंजाइम आर एन

ताकि आप डिफ्रेंशियट कर सकें बिटवीन आर एन ए पॉलीमेरेज एंड डी एन ए पॉलीमरेज सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या नजर आया वो डी एन एजिंग एजाइम था और ये आर एन एंथसाइजिंग एनजाइम है अच्छा आपको याद होगा कि डी एन ए पॉलीमरेज एक डायमर मॉलिक्यूल था उसके दो मेन यूनिट्स हैं बट ये डाइमर नहीं है ये एक सिंगल कॉम्पैक्ट यूनिट पर मुश्तमल तो है बट दिस सिंगल कॉम्पैक्ट यूनिट फर्दर कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब यूनिट्स इसके अंदर आप देख रहे हैं कि टू अल्फा यूनिट्स हैं इसके अंदर इसमें एक बीटा यूनिट है एक बीटा प्राइम यूनिट है और एक सिग्मा यूनिट है तो ये पांच सब यूनिट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें से एक्सेप्ट दिस सिग्मा यूनिट इसको सिग्मा यूनिट या सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं सिग्मा यूनिट या सिग्मा फैक्टर भी इसे कहा जाता है तो इसके अलावा बाकी का जो पार्ट होगा एंजाइम का ट पार्ट इज नोन एज कोर एनजाइम बाकी पार्ट को क्या कहते हैं कोर इंजाइम और जब यह सिग्मा फैक्टर इसके साथ कंबाइन होता है तो अलॉन्ग विध सिग्मा फैक्टर द कोर इंजाइम इज नाउ नोन एज होलो एंजाइम आप इसे क्या कहते हैं होलो एनजाइम यानी यह जो होलो इंजाइम स्टेट है ना ये वो स्टेट है जिस स्टेट में इट इज़ कैपेबल टू अटैच अपॉन द प्रोमोटर रीजन अभी मैं आपको प्रोमोटर रीजन एक्सप्लेन करता हूं इससे पहले आपने ये बात याद रखनी है हॉलो इनजाइम स्टेट कौन सी स्टेट को कहा जा रहा है द स्टेट इन विच इट इज कैपेबल टू अटैच ऑन द प्रोमोटर ठीक है जी प्रोमोटर के ऊपर जिस फॉर्म में ये अटैच कर सकता है वो ये वाली फॉर्म है तो ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ना ये हर प्रोमोटर के लिए स्पेसिफिक होता है इट इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू अ प्रोमोटर प्रोमोटर का बार बार ज़िक्र आ रहा है अभी आपने हौसला रखना है अभी आपको मैं समझाता हूँ कि प्रोमोटर का मतलब क्या है ठीक है तो प्रोमोटर जो रीजन होता है ना प्रोमोटर रीजन ये सिग्मा फैक्टर उसके लिए स्पेसिफ़िक है मिसाल के तौर पर ये एक डी एन ए मोलिक्यूल है इस डी एन ए मोलिक्यूल में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन है उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा जीन है तो अगर ये एक प्रोमोटर है सपोज दिस इज़ अ प्रोमोटर रीजन इसको मैं हाईलाइट करता हूँ दिस इज अ प्रोमोटर रीजन दिस इज अनदर प्रोमोटर रीजन तो इसका जो सिग्मा फैक्टर होगा वो अपना होगा इसका सिग्मा फैक्टर अपना होगा तो इसका जो सिग्मा फैक्टर है वो आर एन ए को इस प्रोमोटर पर बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसका जो सिग्मा फैक्टर होगा वो आर एन ए को इस प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने के लिए रिस्पांसिबल है तो सिग्मा फैक्टर इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोमोटर और सिग्मा फैक्टर की मदद से ये इधर अटैच करता है प्रोमोटर के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि सिग्मा फैक्टर जब कंबाइन हो जाएगा तो ये एंजाइम क्या बन जाएगा हॉल एंजाइम दिस इज द स्टेट ऑफ द एंजाइम इन विच इट इज कैपेबल टू अटैच अपॉन द प्रोमोटर इज दैट क्लियर अच्छा वंस द प्रोमोटर Is by this एक दफा जब ये अटैच हो जाएगा ना प्रोमोटर के ऊपर सिग्मा फैक्टर विल बी रिलीज जब ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा ठीक है ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज रिलीज फ्रॉम प्रोमोटर आफ्टर दर इन ए पॉलिमरेज इज अटैच आफ्टर The पॉलिमरेज इज अटैच जब ये आर्ने पॉलिमरेज वहाँ पर अटैच कर जाएगा तो उस अटैचमेंट के बाद अब सिग्मा फैक्टर का रोल खत्म हो गया वो वहाँ से रिलीज कर जाएगा बाकी क्या बच गया अगर ये सिग्मा फैक्टर निकल जाए तो बाकी इंजाइम को क्या कहते हैं बाकी इंजाइम को कोर इंजाइम कहते हैं होलो नहीं भाई core. अच्छा कोर कोर बोला है सॉरी सॉरी हाँ जी तो बाकी इंजाइम को कोर इंजाइम बोला जाएगा तो ये रिमेनिंग कोर इनजाइम विल परफॉर्म इट्स फंक्शन और रिमेनिंग फंक्शन क्या है रिमेनिंग फंक्शन वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर ने को सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा आगे ठीक है आपको ये आर ए पॉलीमरेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई हैं अभी आर ए पॉलीमरेस की मजीद करेक्टरिस्टिक्स में आगे इलोंगेशन फेज के दौरान भी बताऊंगा ठीक है तो आर्ने पॉलीमरेस को आपने ये याद रखना है जब आपसे सिर्फ आर ने पॉलीमरेस के बारे में पूछा जाए तो उसमें फिर आपने वो सारी करेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है जो भी आगे भी आने वाली हैं फिलहाल आप ये पॉइंट्स याद रखिए आर ए पॉलीमरेज के मुताबिक क्लियर होगी बात ये अच्छा अब हमने क्या कहा है कि इनिशिएशन फेज में क्या होने जा रहा है अटैचमेंट ऑफ आर ए पॉलीमरेज ऑन द प्रोमोटर अब दूसरी चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है दरअसल प्रोमोटर रीजन अब ये प्रोमोटर रीजन क्या चीज है इसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है तो प्रोमोटर रीजन को समझने के लिए यहां पर हम एक डायग्राम इनकॉर्पोरेट करते हैं ठीक है थेके? तो उससे हम ये प्रोमोटर रीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा लर्न करते हैं दरअसल होता यह है कि हर जीन में आपको तीन तरह के सीक्वेंसेस नजर आएंगे न्यूक्लियर सीक्वेंसेस मैं यहां पर ऐसे करके दिखाता हूं जैसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल का सेगमेंट है यो ठीक है डीएनए मॉलिक्यूल जैसे कि डुप्लेक्स स्टेट में होता है ये उसी तरह से डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल और इस डीएनए मॉलिक्यूल का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेगमेंट है आप मान लीजिए कि ये एक जीन है ठीक है इसको आप जीन सपोज कीजिए वॉट इज दिस दिस इज़ ए जीन इसी तरह से ये डी आगे पूरा लंबा डी एन यहाँ पे भी ये आगे कंटिन्यू है यहाँ पे भी कंटिन्यू है तो ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन इसका हाईलाइट किया है तो अलोंग लेंथ ऑफ डीएनए सेवरल जीन्स आपको मिलेंगे एक जीन है उससे आगे दूसरा जीन होगा तीसरा चौथा यूं कई जीन्स लेंथ ऑफ़ डीएनए प्रेजेंट होंगे सपोज़ कीजिए तो आपको तीन सेगमेंट्स से नजर आएंगे इस जीन के अंदर आपको तीन रीजन नजर आएंगे वो तीन रीजन कौन से इसका शुरू का रीजन इसे कहा जाएगा प्रोमोटर रीजन इसे क्या कहेंगे प्रोमोटर इसका आखिरी हिस्सा उसे कहा जाएगा टर्मिनेटर रीजन टर्मिनेटर रीजन प्रमोटर रीजन टर्मिनेटर रीजन और दरमियान में जो पार्ट आपके सामने रह गया है इसे क्या कहेंगे कि दरमियान वाला जो पोर्शन उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन दिस पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ द जीन ठीक है बात क्लियर हो रही है स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ द जीन प्रोमोटर और टर्मिनेटर अब काम क्या इन तीनों रीजन का दरअसल ये दोनों प्रोमोटर और टर्मिनेटर ये दोनों जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं प्रोमोटर ये जीन एक्सप्रेशन को इनिशिएट करता है यानी आर ने पॉलीमरस को वहां पे अटैच करवाएगा जीन के ऊपर ताकि आर ने पॉलीमरिस को ट्रांसक्राइब करें तो हम आमतौर पर इसको ये कहेंगे कि इट कंट्रोल्स द इनिशन ऑफ एक्सप्रेशन कंट्रोल्स इनिशियशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये जीन एक्सप्रेशन की इनिशियशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जीन तब एक्सप्रेस करेगा जब प्रोमोटर के ऊपर आकर आरने पॉलीमरिज ने बाइंड करना है देर फोर हम इसको क्या करें कि इट कंट्रोल्स द इनिशियशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वेर एस टर्मिनेटर रीजन ये क्या करते हैं इट स्टॉप्स स्टॉप्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन को स्टॉप कर है यानी जब ये आर्न्य पॉलीमरेज यहाँ से मूव करता करता ये इधर टर्मिनेटर पे पहुँचेगा तो टर्मिनेटर उसको फ़ौरन यहाँ से रिमूव कर देगा और जीन के एक्सप्रेशन को रोक देगा यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो आगाज़ है आगाज़ ट्रांसक्रिप्शन का वो किसके जरिए होना प्रोमोटर के जरिए और जबकि टर्मिनेटर का रोल क्या है ट्रांसक्रिप्शन को शट डाउन करना उसको ऑफ करना बात समझ में आ रही है भैया आपको सो so, इसका मतलब है कि टर्मिनेटर रीजन और प्रोमोटर रीजन का रोल क्या हुआ दे आर रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन आप इनको क्या कहेंगे रेगुलेटरी ऑफ द जीन जबकि दरमियान में जो स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ जीन है इसका क्या रोल है तो स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ जीन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकोडिंग ऑफ अ माइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ये क्या करते हैं इट इनकोड माइनो एसिड सीक्वेंस इट इन माइनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेपेशन के पास मौजूद है तो वो असल इंफॉर्मेशन किस हिस्से में लोकेट करती है स्ट्रक्चरल रीजन में सो इट इनको माइनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टे इसका रोल है अब आपको एक जीन का स्ट्रक्चर समझ में आया कि भाई जीन का स्ट्रक्चर क्या है हाँ जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोमोटर रीजन की जी तो प्रोमोटर रीजन दरअसल ये रेगुलेटरी रीजन है कंट्रोल्स द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली प्रोमोटर रीजन कंसिस्ट ऑफ टू बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर दो बाइंडिंग साइट होती हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए अच्छा बेटे इस वक्त आप याद रखिए हमने यहाँ पर वैसे तो एक्चुअली डी एन इसी फॉर्म में होता है जैसे ये आपको डुप्लेक्स स्टेट बना के दिखाई है लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे ओपन स्टेट में दिखा रहे हैं ताकि ये आपको ना समझ में आ सके ये जो आपको दो स्टैंड इस तरह से ओपन करके दिखाए हुए हैं तो ये फॉर कन्वीनियंस इस तरह से इसको शो किया हुआ है बट एक्चुअली आपको याद रखना चाहिए कि डी एन मॉलिक्यूल है डबल हेलैक्स मॉलिक्यूल है तो ये उस वक्त तक डबल हेलैक्स रहेगा जब तक कि आर ए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच ना कर जाए अच्छा अब आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट कहा होनी है डीएनए में किस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता होता है आप क्या जवाब देंगे प्रोमोटर रीजन पे क्यों प्रोमोटर रीजन पे ये बाइंड करता है बिकॉज प्रोमोटर रीजन कंटेन्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड दीज बाइंडिंग साइट इन द प्रोमोटर रीजन आर डिफरेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन के अंदर जो बाइंडिंग साइट है ना वो डिफर करती हैं। अगर ये प्रोमोटर रीजन आप किसी प्रोकैरियोटिक में देख रहे हैं प्रोकैरियोट के अंदर देख रहे हैं तो आपको किसी प्रोकैरियोट में ये बाइंडिंग साइट्स मिलेंगी माइनस टेन साइट एंड माइनस थर्टी फाइव साइट माइनस टेन और माइनस थर्टी फाइव एंड दीज टू साइट्स आर करेक्टराइज बाय बाय टी ए टी ए, ए टी और जबकि माइनस थर्टी फाइव साइड इज करेक्टराइज बाय टी टी जी ए सी ए ये देखिए छह न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और ये भी छह न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इसको नाम दिया माइनस टेन साइड और इसको माइनस थर्टी फाइव वो क्यों वो इस वजह से कि इस वक्त आप ये देख रहे हैं स्टार्ट पॉइंट ये प्लस वन जहाँ पे लिखा हुआ है प्लस वन तो इस प्लस वन से अगर आप ये यहाँ से काउंटिंग शुरू करें प्लस वन से तो आप देखेंगे तो प्लस वन से नीचे अब आप आते हैं तो ये माइनस वन हो जाएगा इधर जो अगला न्यूक्लियोटाइड इसको क्या कहेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यू करते करते आप देखेंगे कि जो टेन न्यूक्लियोटाइड है वो इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट होंगे इस पॉइंट पर ये जो सेंटर है इसका इस पॉइंट पर ये टेन न्यूक्लियोटाइड आकर पूरे होंगे माइनस टेन तो देअर फोर दिस इज कॉल्ड माइनस टेन सीक्वेंस आपने मेरा पॉइंट समझा है yes, आप इसको क्या डिफाइन करेंगे व्हाट इज माइनस टेन साइट तो आपने इसको कहना है कि दिस इज बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज लोकेटेड टेन न्यूक्लियोटाइड बिफोर द स्ट्रक्चुरल रीजन ऑफ जीन ये जो स्ट्रक्चुरल रीजन मैंने पॉइंट आउट किया था ना वो दरअसल यहाँ से शुरू हो रहा है ये प्लस वन से वो स्ट्रक्चुरल रीजन शुरू हो रहा है सो so, इस स्ट्रक्चुरल रीजन से एक्चुअली ये टेन न्यूक्ट बिफोर ये साइट लोकेट करती है किसी प्रोक्रियोटिक जीन के अंदर देअर फॉर इट इज कॉल्ड माइनस टेन सीक्वेंस और सिमिलरली ये जो माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस या माइनस थर्टी फाइव साइट है इसको क्या डिफाइन करेंगे आपने इसको भी इसी तरह से डिफाइन करना है द बाइंडिंग साइट फॉर पॉलीमरेज इन प्रो जीन विच इज लोकेटेड थर्टी फाइव न्यूक्टेड बिफोर द स्ट्रक्चुर रीजन ऑफ द जीन इज दैट क्लियर लेकिन यू कैरियोड में बेटे ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो डिफरेंट हैं इन केस ऑफ यू कैरियॉर्ड्स The binding sites are different. one par ye site say minus twenty-five site and minus seventy side. Minus twenty-five site is characterized by TATA. Also known as Tata Box. Or jab 70 side is characterized by CAAT Also known as cat box. ये यूकैरियोट्स के जीन्स में जो प्रोमोटर पाए जाते हैं उन प्रोमोटर में बाइंडिंग साइट्स माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सेवेंटी साइड कहलाएंगे इनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वही है यानी स्ट्रक्चरल रीजन से आप 25 न्यूक्लियोटाइड बिफोर आए तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगा और आप सेवेंटी न्यूक्लियोटाइड बिफोर आए तो ये सीक्वेंस मिलेगा तो यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज इन बाइंडिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करना है तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस इन द बाइंडिंग साइड्स ऑफ प्रमोटर इन प्रो कैरियॉर्स इन यू आपने बाइंडिंग साइड्स का डिफरेंस याद रखना है क्लियर होगी बात भाई तो आर्ने पॉलीमरेज आर पॉलीमरेज ये जैसे ही इस जगह पर आकर बाइंड करता है तो आपको याद है कि इस बाइंडिंग को कौन इंश्योर करता है अभी क्या बताया था मैंने सिग्मा फैक्टर दिस सिग्मा फैक्टर एक्चुअली इंश्योर्स बाइंडिंग ऑफ आर् पॉलिमरेज ऑन इट्स प्रोमोटर तो वंसिम्रेस इज अटैच ऑन द प्रोमोटर सिग्मा और बाकी का काम आप कौन करेगा ठीक होगी बात यहां पर बेटे एक और मैं प्रॉपर्टी आपको आरने पॉलिमरेज की बता दूं कि आरने पॉलीमरेज जैसे यहां पर बाइंड करता है ना तो इसके यहां पर बाइंड करते ही ना सिर्फ डी एन ए उस जगह से जैसे ये वाली जो जगह है ना ना सिर्फ डीएनए वहां से यूं इस तरह से अनट्विस्ट हो जाता है वहां से इसके टर्न्स यू खुल जाते हैं बल्कि इसके दरम्यान की जो बेस पेयर हैं वो भी टूट जाते हैं और दोनों स्टैंड इसके खुल जाएंगे आपस में यानी जैसे अगर ये सपोज करो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये अगर सपोज ऐसे करके था तो इस जगह पर सपोज करो कि ये आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हुआ जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पर बाइंड हुआ तो पॉलीमरेज की यहाँ पे बाइंड करते ही ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसने यहाँ पे बाइंडिंग की है तो इसकी यहां पे बाइंड करते ही देखो अब ये शक्ल कैसे बन जाएगी इसकी देखो वो आरएनए पॉलीमरेज जो आपको ये इधर ये ऐसे दिखाया था दिस इजोज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सो ये वही आर्ने पॉलीमरेज एनजाइम ठीक है तो पॉलीमरेज ये जिस, जिस जगह पर आपको नजर आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब ये आर्ने पॉलिम्रेज उसी जगह पर मौजूद है लेकिन जैसे उसकी अटैचमेंट हुई है तो उस जगह से डीएनए ना सिर्फ उसके टर्न्स ओपन हो गए बल्कि उसके साथ साथ क्या हुआ उसके पेयर्स भी टूट गए आरएनए पॉलीमरेज के अटैच होने से उसके बेस पेयर्स भी टूट गए और डीएनए इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया यानी ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के बरक्स डीएनए हेलीकेस की जरूरत पड़ेगी नो हाँ। वो जो डीएनए हेलीकेस ने काम करना होता है ना वो काम भी यार ने पॉलीमरेज कर रहा है और इसके अलावा आपको याद है वो गायरेस वाला जो फंक्शन था, था उसकी भी जरूरत नहीं है यहां पे और वहां पे हमने एस एस पी प्रोटीन्स का रोल देखा था जो सिंगल स्टैंड को मेनटेन करते हैं वो भी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होंगी द ओनली आर ए पॉलीम्रेज कैन परफॉर्म ऑल दीज जॉब्स समझ आई बात अब आप देखो जब आप आर ए पॉलीम्रेज को डी एन ए पॉलीमरेज को कंपेयर कर रहे होंगे इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज का भी ख्याल रखना है आर ए पॉलिम्रेज ये हेलीकेज और गायरेज की तरह और एस एस पी प्रोटीन की तरह भी फंक्शन करता है लेकिन डी एन ए पॉलीम्रेज में ये कैपेसिटी नहीं है उसके साथ आपको हैलीकेज गायरेज और एस एस बी प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होती हैं उसकी एक्टिविटी में लेकिन यहां पे उन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इज इट क्लियर हाँ जी अब देखो आर ने पॉलीमरेज प्रोमोटर के ऊपर आकर बाइंड कर गया और जैसे ये प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करता है वहां पर इस तरह से ये दोनों स्टैंड जब खुल जाते हैं तो एक बबल लाइक -like अपीयरेंस हो जाती है दैट बबल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल इस बबल को क्या कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल जैसे जैसे आपने रेप्लीकेशन बबल देखा था ना वहां रेप्लिकेशन में इसी तरह से यहां ट्रांसक्रिप्शन बबल बना है लेकिन वहां हमने रेप्लीकेशन बबल के साथ रेप्लीकेशन फॉर्क का भी जिक्र किया था यहां पे रेप्लीकेशन ये ट्रांसक्रिप्शन बबल का जो तो जिक्र किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि दरअसल ये जो बबल है ना ये सिर्फ उस हिस्से में ये बबल है जहां पर आर्ने पॉलीमरेज है आर्ने पॉलीमरेज जैसे जैसे यहां से यूं आगे की तरफ बढ़ेगा मिसाल के तौर पर आर्ने पॉलीमरेज ये पहले इधर अटैच हुआ था तो इधर से ये अब आर्ने पॉलीमरेज रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना शुरू होगा तो जैसे जैसे आर्ने पॉलीमरेज ये आगे की तरफ जाएगा तो बबल भी उसके साथ साथ आगे आता रहेगा पिछला हिस्सा दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट होता रहेगा ठीक है जी अब आपको इनिशिएशन फेज क्लियर हो गया व्हाट हैपेंस इन द इनिशिएशन फेज हाउ विल यू डिफाइन द इवेंट्स ऑफ इनिशिएशन फेज अटैचमेंट ऑफ आर ए पॉलिम्रेज ऑन द प्रोमोटर रीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल दीज आर द इवेंट्स ऑफ द इनिशिएशन फेज ओके तो उसके बाद नेक्स्ट जो यहां पे इवेंट है वो है ट्रांसक्रिप्शन में सेकेंड इवेंट इलोंगेशन फेज इलोंगेशन फेज इज द सेकेंड इवेंट अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इलोंगेशन फेज में क्या होगा तो इलोंगेशन फेज कैन बी करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए अलोंग द लेंथ ऑफ टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड ठीक है टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एम आर ए की फॉर्मेशन दरअसल इलोंगेशन फेज कहलाती है ये देखिए यहां पर अब इसको हम दिखाते हैं इस वक्त बिटे ये यहाँ पे शो किया गया है कि आर एन पॉलीमरेज जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है और उसने एक आर का छोटा सा पीस जनरेट कर दिया हुआ है आर बनने के बाद नीचे यूँ लटकता जा रहा है ठीक है ना तो आर ये डी के दो स्टैंड में से किसी एक के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है डी के दो स्टैंड हैं उनमें से एक स्टैंड जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आर बन रहा है उस स्टैंड को कहेंगे टेम्पलेट या फिर उसको कहते होते हैं एंटी सेंस स्टैंड उसे क्या कहते हैं एंटी एंटी सेंस नॉन सेंस नहीं क्या कहेंगे एंटी सेंस स्टैंड जबकि दूसरा जो स्टैंड होगा अपोजिट स्टैंड उसे कहा जाएगा कोडिंग स्टैंड या इस कोडिंग स्टैंड के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है सेंस स्टैंड कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड अब इसकी क्या लॉजिक है इन दोनों स्टैंड को यूं नाम क्यों दिया जाता है आपने इधर थोड़ी तवज्जा कायम रखनी है अच्छा अभी देखो यहां पे इस बात को मैं समझाने के लिए एक और डायग्राम यहां पे दिखाता हूं ताकि आपको ये सेंस और एंटी सेंस ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके अच्छा यहां पे आपसे अगर मैं पूछता हूं कि इस वक्त जो सीक्वेंस आप यहां पे देख रहे हैं इधर है टी ये ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है ये डीएनए का स्टैंड है ये ऊपर ब्लू कलर का स्टैंड डीएनए का स्टैंड है लेकिन बीच में जो रेड कलर का स्टैंड तामिर हो रहा है वो कौन सा स्टैंड है वो आर एन ए स्टैंड है ठीक है अच्छा आर एन ए की डायरेक्शन और डी एन ए की डायरेक्शन भी अपोजिट होती है ये देखो ये जो आपको स्ट्रैंड बता रहे हैं ना टेम्पलेट या एंटी सेंस स्टैंड तो इसके साथ आर एन ए की डायरेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री है एंटी सेंस स्ट्रैंड इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी कॉम्प्लीमेंटरी लेकिन जो दूसरे वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसको हमने सेंस स्ट्रैंड कहा है द सेंस स्ट्रैंड या फिर इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं दिस इज आल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड सो दिस कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड इसकी डायरेक्शन और आरने की डायरेक्शन सेम है मिसाल के तौर पर देखो इस वक्त मैं आरने की डायरेक्शन यहां पे लिखता हूं ये 5 प्राइम एंडेस का और ये एंड जो यहाँ पे आगे ग्रो कर रहा है ये एंड कौन सा है इसका थ्री प्राइम एंड है अच्छा इस वक्त अगर ये वाला टेम्पलेट हम शो करें ना ये कौन सा है देखो ये इधर तो इसका यहाँ पर जो एंड होगा ना वो थ्री प्राइम एंड होगा हमने कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन दिखानी है उसकी ना और ये इस तरफ कौन सा एंड होगा इसका फाइव प्राइम अच्छा दूसरा वो जो कोडिंग वाला है उसका इस तरफ थ्री प्राइम एंड है और ये देखिए इस तरफ इसका कौन सा एंड है एंड है। Is that clear? अच्छा, आपको yes. ये मालूम है ना कि डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं हाँ जी यानी अगर मिसाल के तौर पर डीएनए में ये इस जगह पर सपोज करें डीएनए में इस जगह पर ये टी है तो इधर इस जगह पर क्या होगा सपोज C, सी ए अच्छा, डीएनए में इस इस जगह पर अगर सी है तो इधर क्या होगा जी वेरी गुड अच्छा डीएनए में इधर अगर ए है तो इधर क्या होगा टी इधर टी है तो इधर क्या होगा ए मैं सिर्फ डीएनए की बात कर रहा हूं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को मैं कंपेयर करवा रहा हूं आपको समझ में आ रही है जी, जी, जी. अच्छा अब देखो ये जो आर एन ए बन रहा है बेटे ये आर एन ए जो बन रहा है जो कि मैं आपको कह रहा हूं कि टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है देखो टेम्पलेट में इस जगह पर अगर ये जी है तो इधर क्या आ गया सी टी है तो इसके अपोजिट क्या आ गया ए और ए है तो उसके अपोजिट क्या आ गया यू वो क्यों क्योंकि आर एन ए के अंदर आपको पता टी नहीं होता ना थाइमीन टाइप का जो न्यूक्लियोटाइड है वो आरएनए में नहीं होगा उसकी जगह पर यूरेसल टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री तो तो के के सी जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए फिर ए और अब आप देखो ये इधर ए है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज आ रही है यू टाइप का न्यूक्लियोटाइड आ रहा है आप मेरी बात समझ रहे अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त ये जो आर एन मॉलिक्यूल बन रहा है मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है ये आर एन की कॉपी है या कोडिंग स्टैंड की कॉपी है आपको क्या लगता है किसके साथ इसकी रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज नजर आ रही है ये कॉपी किसकी है टेम्पलेट की या कोडिंग की कोडिंग की कॉपी है बन तो ये टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री रहा है लेकिन एक्चुअली कॉपी किसकी हो रही है कोडिंग की देयर फॉर द कोडिंग स्टैंड इज सेंस स्टैंड यानी असल इंफॉर्मेशन पॉलीपेप्टाइड बनाने की किसके पास मौजूद है कोडिंग स्टैंड के पास जिसको सेंस स्टैंड कहा जाता है और जबकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री एम आर ए फॉर्म होता है इस टेम्पलेट स्टैंड को एंटी सेंस स्टैंड कहा जाता है यानी एंटी सेंस स्टैंड वो स्टैंड होगा जिसके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होगी यानी इसको आप डिफाइन करेंगे द स्टैंड बाय विच बाय विच ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्मड ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या मैंने समझाया था लिटरल मीनिंग क्या ट्रांसक्रिप्शन का कॉपिंग यानी जिसके जरिए कॉपी बन रही है उस स्टैंड को क्या कहते हैं एंटीसेंस या टेंपलेट और जिसकी एक्चुअली कॉपी होती है द स्टैंड विच इज टू बी ट्रांसक्राइब विच इज टू बी ट्रांसक्राइब यानी जिसने एक्चुअली कॉपी होना है ट्रांसक्राइब होना है विच इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड कोडिंग या सेंस स्टैंड हां जी अब डिफाइन करें वट इज कोडिंग स्टैंड द स्टैंड

वेरी गुड ट्रांसक्रिप्शन कोडिंग स्टैंड की हो रही है ये बेटे यहाँ पर ना अक्सर गलत फहमी होती है बच्चों के माइंड में और बहुत सारे टीचर्स के माइंड में भी वो ये समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इसकी टेम्पलेट की नो ट्रांसक्रिप्शन किसकी हो रही है कोडिंग स्टैंड की बिकॉज ट्रांसक्रप्शन का मतलब एक कॉपी होना तो कॉपी बन रही है कोडिंग स्टैंड की लेकिन कॉपी बनने का अमल ऐसा है कि आप अगर इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज बनाएंगे तो डेफिनेटली वो कॉपी होगी ऊपर वाले कोडिंग स्टैंड की अंडरस्टैंड गुड yes, तो जरा ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको ये टेम्पलेट स्टैंड दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा बताओ इस रीजन का कोडिंग स्टैंड क्या होगा तो आपको टेम्पलेट दिखाकर कोडिंग पूछा जाए तो आप उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे कि अगर किसी सेगमेंट ऑफ डी का टेम्पलेट सीक्वेंस ये है तो वट विल बी द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ दैट रीजन आप गेस कर लेंगे यस yes, क्योंकि आपने याद रखना है कि दीस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर अगर इधर टी है तो अपोजिट ए इधर ए है तो अपोजिट टी इधर सी है तो अपोजिट जी तो ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री है डायरेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए इधर फाइव प्राइम एंड है तो इधर इसका थ्री प्राइम एंड है इधर इसका थ्री प्राइम है और इसका फाइव है अब समझ आई बात आपको अब इसी तरह से सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी डीएनए रीजन में टेम्पलेट सीक्वेंस ये है है तो तो बताओ का सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होगा या कोडिंग ये है, तो उस जगह से प्रोड्यूस होने वाले का क्या होगा? तो आपको एम आर एन ए का सीक्वेंस भी आइडिया होना चाहिए जरा हम इधर प्रैक्टिस करते हैं बताओ इधर जो एम बनना जाएगा इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री जो एम इधर बनने जाएगा वो एम क्या सीक्वेंस कंटेन करता होगा आप वन बाय वन बोलते जाए देखो डायरेक्शन क्या होगी सबसे पहले इसकी ये डायरेक्शन फाइव प्राइम एंड होगा ये थ्री फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियर कौन सा आएगा यो, यो, यो। नहीं बेटा ए टी ये? के अपोजिट जो होता है ना ए आता है तो इधर ए ही आना चाहिए हाँ जी अब अब बताओ क्या आएगा यो, यो, यो। अब यो, यो, यो। जी, जी जी आएगा अब जी देखो सी के अपोजिट जी आपने बेटा ये नीचे वाले के ऊपर ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री आप बनाते जहां अच्छा आप जी के अपोजिट क्या आएगा फिर बेटा ये A और ए और यू वाला जो चक्कर है ना इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है यादी आधी क्लास यू कह रही है आधी ए कह रही है तो बेटा ये टी के अपोजिट ए आना होता है और ए आर एन ए के अंदर मौजूद होता है इस वजह से ए आएगा यहां पे आपने बेटा याद रखना है आर आरएनए में जिस जगह पर टी आना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट्री रूल के तहत यानी इधर जिस जगह पर ए है ना तो अपोजिट टी आना चाहिए था ना लेकिन आपने याद रखना आर एन में टी नहीं होता उसकी जगह पे क्या आ जाएगा यू ठीक है तो आप देखो ये इधर यू आ गया फिर नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोले Good. और इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी वर्ल्ड थ्री प्राइम एंड तो आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होती है दी, दी, दी। नहीं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आपने डायरेक्शन क्या लेनी है ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस तरफ फाइव प्राइम एंड और इस तरफ थ्री प्राइम एंड तो ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन भी फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम है और डीएनए डीएनएन की डायरेक्शन क्या थी याद है वो भी फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम है दरअसल उसकी वजह ये है बेटा कि जब भी कोई पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है ना देखो ये भी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है ये न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन ऐड हो रहे हैं तो नए न्यूक्लियोटाइड हमेशा कौन से एंड से एंटर हो रहे होते हैं थ्री प्राइम एंड से ये जो थ्री प्राइम एंड होता है ना ग्रोइंग चेन का यहां से नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होते हैं अब ये बात याद रहेगी yes, yes, तो आपसे इस तरह के बड़े एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई अगर एम का ये सीक्वेंस है तो बताओ इस जगह ये जिस डीएनए से ओरिजिनेट हुआ है तो वहां पर टेम्पलेट सीक्वेंस क्या होगा या वहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस क्या होगा तो आपने ये रिलेशनशिप्स इनकी याद रखनी है टेम्पलेट के साथ एम आर कॉम्प्लीमेंट्री होता है और कोडिंग के साथ एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस और सेम डायरेक्शन शो करता है सिवाय डिफरेंस यू और टी के यानी जिस जगह पर कोडिंग में टी आना चाहिए वहां पर एम आर एन ए में यू आएगा बाकी सीक्वेंस सेम टू सेम वही रहेगा डायरेक्शन भी वही रहेगी तो ये इस तरह से बेटे इलांगेशन फेज रफ्ता रफ्ता कंप्लीट हो जाता है ये आरने पॉलीमिरे को बनाते हुए आखिर में कहा पर पहुंच जाता है लास्ट yes. फेज इज टर्मिनेशन फेज तो देखियो अब टर्मिनेशन फेज में क्या होने वाला है टर्मिनेशन फेज कैन बी करैक्टराइज by the रिमूवल ऑफ RNA polymerase and mRNA एंड the terminator region and the restoration टर्मिनेटर the एंड duplex. रेस्टोरेशन ऑफ डी एन ए टर्मिनेटर रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटर रीजन ये जीन का आखिरी हिस्सा होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है स्टॉप करता है टर्मिनेट करता है इस वजह से इसका नाम टर्मिनेटर रीजन है ये इस डायग्राम पर गौर कीजिए ये इस वक्त आर पॉलीमरेज आप देख रहे हैं ये गोल सा जो नजर आ रहा है आपको और ये डी का पोर्शन तो जिस हिस्से में ये आर्ने पॉलीमेरेज है दरअसल उस हिस्से में ये बबल नजर आ रहा है अच्छा इस वक्त आर्या पॉलीमरेज ये दाखिल हो चुका है टर्मिनेटर रीजन में तो जो टर्मिनेटर रीजन होता है ना जीन का उस टर्मिनेटर रीजन में आमतौर पर सीरीज ऑफ जी सी पेयर्स फॉलोड बाय सीरीज ऑफ एटी पेयर्स आ जाते हैं सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ जी सी पेयर्स जी सी बेसपेयर्स एंड सीरीज ऑफ ऑफ ए टी बेस पेयर्स ये मौजूद होंगे ए टी ये ए टी नहीं ए टी बेसपेयर्स देखो ये यहां पर ना शुरू में इधर अगर सपोज करें जी था तो इधर सी होगा इधर जी होगा तो इधर सी होगा इधर जी होगा तो इधर सी होगा इधर जी होगा तो इधर सी होगा तो इस तरह से सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव जी सी बेस पियर्स आर प्रेजेंट इन द टर्मिनेटर रीजन ये लगातार लाइन से उसके बाद यू करते करते आगे ए इसके अपोजिट टी फिर ए अपोजिट टी ए अपोजिट टी ए अपोजिट टी तो डीएनए में जिस जगह पर ये सीक्वेंस हो सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर एक्चुअली दिस इज द टर्मिनेटर रीजन इज द ऑफ टर्मिनेटर रीजन यहां पर किस किस्म का सीक्वेंस पाया जाता है तो टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बेस बेस एंड सीरीज ऑफ एस क्लियर हो ही बात की अच्छा आर ने पॉलिमरेज ये इस रीजन में जीसी पेयर वाले रीजन में जब आर ने को सिंथिसाइज करेगा तो ये देखो ये रेड कलर का जो पार्ट है ना ये आर एन एब देखो इसमें आर ने ये यहां से लेकर यहां तक ये यह जो आर में सिंथेसाइज़ हुआ है तो अगर ये इस जगह पर जी है तो इसके अपोजिट इधर अच्छा चलेंगे जी सी जी सी जी सी इस तरह से करके और इसी तरह से यहां पर भी ये चीज मौजूद है फिर इधर है ये इधर सी था तो इधर जी आ जाएगा इधर जी है तो इधर सी तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा ना इसका वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आपस में बेस पेयर बना लेगा आप मेरी बात समझ रहे बेटा कि द पार्ट ऑफ मैसेंजर आर ने यहां से लेकर यहां तक ये यह पार्ट ऑफ मैसेंजर आर ने जो कि ट्रांस टर्मिनेटर रीजन से सिंथेसाइज हुआ है इट फॉर्म्स अ लूप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज जीसी हेयर पेन इसको जीसी हेयर पेन कहा जाता है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता है एम के अंदर उस जगह पर जो के टर्मिनेटर रीजन से सिंथेसाइज़ होगा सो दिस जीसी सी हेयर पेन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ आरने पॉलिमरेज एंड आर ए फ्रॉम द टर्मिनेटर रीजन जैसे ये जीसी हेयर पेन बनेगी ना तो जीसी हेयरपेन बनते ही यह आर ने पॉलीमरेज को धक्का दे देगी यहां से आर ने पॉलीमरेज वहां से निकल जाएगा जैसे पॉलीमरेज निकलेगा तो आर एन ए मॉलिक्यूलिंग करेगा वो भी निकल जाएगा जब ये दोनों चीजें निकल जाएंगी तो डीएन अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाती है तो यह जीसी हेयरपेन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है वट इज जीसी हेयरपेन आप इसको यू डिफाइन करेंगे द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एम आर एन ए

If you have not subscribed this channel kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again